बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भारत की आज़ादी को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं। कंगना का ये वीडियो तब से शुरू हुआ जब से उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह एक इंटरव्यू के दौरान कह रही हैं, 1947 में मिली आज़ादी भीख थी, देश को असली आज़ादी तो साल 2014 में मिली। इस बयान के बाद कंगना रनौत की काफी आलोचना भी हुई। यह विवाद अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं उदयपुर, चुरू और जोधपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं लोग कंगना को हाल ही में मिले पद्मश्री अवार्ड को वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के इस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कंगना ने जो कहा वह सच है। गोखले द्वारा कंगना का समर्थन करने के बाद लोगों ने विक्रम गोखले पर भी गुस्सा जाहिर किया था। इस सब पर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद विक्रम गोखले से जब बात की गई तो उनका कहना था, कंगना ने जो कुछ बोला है वो उसकी पर्सनल ओपिनियंस है, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो बोला, जिसके बारे में मुझे पूछा गया, वो वक्त भी ठीक नहीं था, स्थान भी ठीक नहीं था, फिर भी पत्रकारों ने मुझे पूछा, उस पर मैंने जवाब दिया कि वॉट एवर शी हैज सेड इज करेक्ट, क्योंकि उसके खुद के कुछ कारण होंगे ऐसा कहने में, वैसे मेरे भी कारण है। कंगना की मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मेरी पहचान मेरे पॉलिटिकल स्टडी से है। मुझ जैसे आदमी को वाकई ऐसा लगा कि जिसे रियल फ्रीडम बोलते हैं वो 18 मई 2014 को मिला। दिस इज माई ओपिनियन, मानना न मानना ये आपकी मर्जी है। मेरा देश आज पूरे वर्ल्ड के सेट पे आज एक वेरी स्ट्रांग नेशन करके खड़ा हो रहा है, इसमें मुझे बहुत गुरूर है, बहुत आनंद है। ये मेरा मत है, ये किसी पे मुझे लादना नहीं है, थोपना नहीं है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माई आंसर। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट मोर अबाउट दिस पॉइंट। इसके साथ ही विक्रम गोखले ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के केस पर भी बात की। उनका कहना था, आर्यन शाहरुख गलत जगह पे गलत सवाल, इररिलेवेंट सवाल मुझे पूछे जाते हैं, मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। फिर भी पूछा गया तो मैंने कहा, मेरा पहला जवाब ये था कि नो कमेंट्स। लेकिन नो कमेंट्स के बाद भी पत्रकार जब और कुछ अंदर आना चाहते थे, उनको मैंने तभी रोका और मैंने कहा कि आगे आप जो बोलने वाले, मुझे मालूम है, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, नोबडी कैन हार्म मी इन बॉलीवुड, नोबडी, ये मैंने बोला है, कोई भी। खैर, इसका मैंने जवाब दिया है। मेरी दृष्टि में मेरा ऐसा मानना है कि आर्यन खान, शाहरुख खान, विक्रम गोखले और कोई हो, इनसे सबसे बहुत बड़ा नायक जो है वो दो चार दिन आगे पीछे हम लोगों की रक्षा करने वाला उन 21 साल का जो एक लड़का अलगतावादी जो है, दहशतवादी जो है, उसकी गोली से मारा गया, वो मेरा नायक है। इसी तरह के और बहुत मुद्दे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस पर मैंने बोल दिया है कि टू मी दैट बॉय हु गॉट किल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। वहीं अब कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकाश पर्व के मौके पर देश को संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर भी नाराजगी जताई है। कंगना ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर नाराजगी और निराशा जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, दुखद, शर्मनाक और बिल्कुल गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें, तो यह भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। INS रिपोर्ट।